एक्सप्रेस प्रस्तुत है आज की खास खबरें। पानी की समस्या को दूर करने के लिए जल शक्ति मिशन के तहत सुपुलपुर में जल निगम की टंकी बनने को स्थान दिया चिन्हित। टंकी बनने वाला स्थान विवादित होने की वजह से तहसीलदार द्वारा मौके का किया निरीक्षण। खबर है तहसील लालगंज के ग्राम सभा कोटवा सुकुलपुर, जहां ग्राम प्रधान देवनाथ पांडे द्वारा पीने के पानी के लिए टंकी का प्रस्ताव लगाया गया था, जिसके लिए दी गई जमीन गांव के ही कुछ लोग अपना आवास बनाकर रहने लगे, जिसे आबादी घोषित करने की मांग पर अड़े थे। लेकिन आज तहसीलदार ने निरीक्षण करके पानी की टंकी बनने वाली जमीन को चिन्हित किया और बहुत जल्द उस पर निर्माण कराए जाने की बात कही। मौके पर ग्राम प्रधान कोटवा सुकुलपुर मौजूद रहकर पानी की टंकी बनने वाले स्थल को चिन्हित कराया। तहसीलदार और पुलिस बल के मौके पर मौजूद होने की वजह से शांति व्यवस्था बनी रही। हालांकि कुछ लोगों का इस स्थान पर टंकी बनाए जाने का विरोध भी रहा। ब्यूरो हरिकेश चौरसिया। ग्राम कोटवा सुकुलपुर में जी है जल शक्ति मिशन के तहत जो है पानी टंकी के लिए भूमि उपलब्ध कराए जाने की बात थी। भूमि चिन्हित कर दिया गया है, लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत डिस्प्यूट था जिसका समाधान करा दिया गया है। अब पानी की टंकी यहीं पर बनेगी। पानी की टंकी एक पास हुई थी हमारे ग्राम सभा में, जिसमें जो है राजस्व विभाग टीम कानून को लेखपाल महोदय आए और जमीन चिन्हित किया। चिन्हित करने के बाद कुछ लोग अवरोध उत्पन्न कर रहे थे, जिसके तहत हमने प्रार्थना पत्र DM साहब को SDM साहब को प्रार्थना पत्र दिया, जिसके उन्होंने आदेशित किया। उस आदेशानुसार आज जो है 22 को लेख को और जो है थाना अध्यक्ष महोदय आए और उनके साथ राजस्व विभाग टीम आई, सबके सामने आज ये जो है निर्णय हुआ कि टंकी इसी स्थान पे बनेगी। जो अवरोध उत्पन्न करेगा उसके खिलाफ विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। क्या सर, वो जो जमीन है जहाँ पे बननी है, क्या जमीन वो खाली पड़ी है? क्या वो जमीन खाली पड़ी है, उसमें कोई जो है कुछ चीज बना नहीं है। वो जमीन किस विभाग की है? वो सरकारी जमीन है बिहार। तो ये थी आज की खास खबरें। ऐसी ही चुनिंदा और खास खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लाइव TV एक्सप्रेस, खबरों का खजाना लाइव TV के साथ।